हे दोस्तों, एक रिपोर्ट के हिसाब से 2014 अमेरिका में 28 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिनके अंदर से इंटरेस्टिंग बात यह थी कि बस 4000 लोग ऐसे थे जिनकी जो नेटवर्थ थी वो $8 मिलियन या उससे ज्यादा की थी। ना उनके अंदर से ही एक आदमी थे जिनका नाम था रोनल्ड रीड, जिनकी लाइफ एक्चुअली में जरा भी खास नहीं थी। देखो, रोनल्ड अपनी फैमिली में ग्रेजुएट होने वाले सबसे पहले इंसान थे जो 25 साल तक एक गैस स्टेशन पे कार मैकेनिक का काम करते थे, और फिर इसके बाद 17 साल तक उन्होंने जेसी पैनी के स्टोर्स में फ्लोर साफ करने का काम करा। उन्होंने 38 की एज में एक रूम खरीदा 2 BHK का, जो बस था $12,000 का। फिर इसके बाद 50 साल की एज में उनका डाइवोर्स हो गया, जिसके बाद उन्होंने कोई शादी नहीं करी और अपनी पूरी लाइफ अकेले ही गुजारी। और फिर 2014 में जब वो 92 की एज के थे तब उनकी मौत हो गई। बट स्टिल रोनल्ड उन गिने चुने 4000 लोगों में से एक बन गए, बिकॉज उनके मौत के बाद उनकी नेट वेल्थ $8 मिलियन की थी, जिनमें से $2 मिलियन उन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को दे दिए और $6 मिलियन उन्होंने लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरीज को डोनेट कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, रोनल्ड के पास इतना सारा पैसा कहां से आ गया। वेल, इसके पीछे कोई सीक्रेट नहीं था, नहीं उन्होंने कोई लॉटरी भी नहीं जीती थी, ना किसी कैसीनो में उन्हें जैकपॉट लगा था, नहीं। बस बात ये थी कि उन्होंने अपने पैसे को फालतू खर्च करने के बजाय वो उन्हें सेव करते जाते थे, और फिर अपनी सेविंग को वो इन्वेस्ट करते थे ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके, जिसके साथ उन्होंने और कुछ नहीं करा, बस सालों साल वेट करा, जिसका रिजल्ट उनकी थोड़ी सी सेविंग कंपाउंड होकर $8 मिलियन में कन्वर्ट हो गई। और यही एक इंटरेस्टिंग कहानी एक फेलियर से एक फिलैंथ्रोपिस्ट तक। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये भी है कि 2014 में एक और इंसान था जिनकी डेथ हुई थी, जिनका नाम था रिचर्ड फुकॉन, जो कि एक हार्वर्ड MBA ग्रेजुएट थे। रोनल्ड के अपोजिट इनकी बात करें तो रिचर्ड का फाइनेंस करियर इतना ज्यादा अच्छा था कि वो 40 साल की एज में ही रिटायर हो गए थे, क्योंकि उन्हें फिलैंथ्रोपिस्ट बनना था और वो बने भी, बिकॉज सच वो बहुत सक्सेसफुल थे, जिसकी वजह से ही उन्होंने एक बहुत लग्जूरियस घर भी खरीदा था जिसमें 11 बाथरूम, 2 एलिवेटर्स, 2 स्विमिंग पूल्स, 7 गैरेजेस, ये सारी चीजें थी, जिसकी हर महीने की मेंटेनेंस की कॉस्ट बस $90,000 थी। इतने अमीर थे वो। बट फिर 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुई तब उन्हें बहुत बुरा झटका लगा, उनकी सारी वेल्थ खत्म होने लग गई, जिसके बाद 2014 तक वो सब कुछ लॉस कर बैठे। और ये थी एक कहानी फिलैंथ्रोपिस्ट से फेलियर तक की। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां आप बिना कॉलेज डिग्री के, बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी हाई कनेक्शन के उन लोगों को पीछे छोड़ सकते हो जिनके पास हाई कॉलेज डिग्रीज है, हाई एजुकेशन है, पर इसका आंसर ऑथर बोलते हैं फाइनेंस है, जो रिचर्ड और रोनल्ड की स्टोरी भी हमें दिखाती है। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करना कोई बहुत मुश्किल साइंस नहीं है, जिसके लिए आपको बहुत हाई IQ की जरूरत नहीं है, बल्कि फाइनेंस तो बस एक सॉफ्ट स्किल है जिसमें बस दो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है। फर्स्ट, कि आप क्या एक्शंस लेते हो, और सेकंड, आप कैसे बिहेव करते हो उन एक्शंस को लेने के बाद लॉन्ग रन में, बजाय इसके कि आपके पास कितनी नॉलेज है। और बात यह है कि ये फाइनेंस की जो सॉफ्ट स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे ऑथर साइकोलॉजी ऑफ मनी भी बोलते हैं, जो उन्होंने अपनी इस बुक का नाम भी रखा है, जिनमें से ये आज मैं आपके साथ 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगा जो आपकी इस स्किल को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, लक एंड रिस्क। हम सबको ये पता है कि बिल गेट्स ने बहुत ही यंग एज से ही कोडिंग करना स्टार्ट कर दी थी, बट क्या आपको पता है 1968 में जिस स्कूल में 13 साल के बिल गेट्स जाते थे वो दुनिया के कुछ गिने चुने हाई स्कूल्स में से था जिनके पास कंप्यूटर था। उस टाइम पे तो कॉलेज ग्रेजुएट्स के पास भी कंप्यूटर का एक्सेस नहीं होता था, जो कि बिल गेट्स को 8th स्टैंडर्ड से ही मिल गया था। ना ये कितनी लकी चीज थी, देखो, बिकॉज 1968 में 300 मिलियन लोग हाई स्कूल में जाते थे, जिसमें से बस 18 मिलियन US में रहते थे, जिसमें से 270,000 वॉशिंगटन स्टेट के थे। अब उनमें से भी बस 100,000 बच्चे सियाटल एरिया के पास रहते थे, और उनमें से भी बस 300 बच्चे ऐसे थे जो लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे। मतलब देखे तो पूरी दुनिया में 1 मिलियन बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जिसके पास इतनी यंग एज में कंप्यूटर का एक्सेस था, और बिल गेट्स उनमें से ही एक लकी बच्चे थे, जिसे खुद बिल गेट्स भी मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर शायद वो लेक साइड स्कूल में नहीं होते तो आज शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। नाउ बिल गेट्स के अपोजिट 8th स्टैंडर्ड में वहां उनके एक दोस्त भी थे जिनका नाम था केंट इवंस। नाउ केंट भी बिल गेट्स की तरह एक बहुत ही हाईली स्किल्ड पर्सन थे, इसलिए ही बिल और केंट दोनों साथ में ही कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बनाते थे। बिल कहते हैं कि केंट इतने अच्छे थे कि आज वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर पार्टनर होते थे, बट ऐसा हो नहीं पाया। क्यों? बिकॉज हाई स्कूल पास करने से पहले ही एक बार माउंटेनियरिंग करते टाइम केंट का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, जिसने उनकी जान ले ली। अब यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि माउंटेनियरिंग करते करते 3 डजन लोगों की मौत होती है, और एक हाई स्कूल के बच्चे की इस चीज से मरने के जो चांसेस है वो 1 in a million थे, और अनफॉर्चुनेटली केंट वही एक बच्चे थे। ना ये जो बिल गेट्स का 1 in a million लक था जिसकी वजह से आज वो इतने सक्सेसफुल हैं, वहीं केंट का भी 1 in a million एक रिस्क था जो आज वो इस दुनिया में नहीं है।
और यही चीज समझने वाली है। नोबेल प्राइज विनर रॉबर्ट शिलर से जब पूछा गया कि इन्वेस्टिंग के बारे में ऐसी कौन सी चीज है जो आप पता करना चाहते हो बट कभी आपको पता नहीं चलेगी, तो उन्होंने रिप्लाई किया, द एग्जैक्ट रोल ऑफ लक इन द सक्सेसफुल आउटकम्स। मतलब यही कि सक्सेसफुल होने में लक का कितना रोल होता है। ना देखो, गलत मत समझना, ऑथर कहते हैं कि आपको लक पर डिपेंड नहीं होना चाहिए पर आपको उसको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। इमेजिन करो कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है जिसमें 80% चांस है, या फिर आप बोल सकते हो लक है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, और 20% रिस्क है कि आप फेल हो जाओगे। तो अगर आप फेल हो गए तो आपको खुद से ये क्वेश्चन करना ही चाहिए कि आपने क्या मिस्टेक कर दी, क्या आपने कोई मिस्टेक करी है, या फिर सिंपली आप बस उस 20% लोगों में से हो जो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे सक्सीड नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग दूसरों की सक्सेस को देखकर ये जज करने लगते हैं कि वो तो बहुत लकी था, उसमें टैलेंट था, ये था वो था, जिसकी वजह से ही वो इतना सक्सेसफुल हुआ। जबकि ऑथर कई बार ये बोलते थे अपने आप को कि वो फेल हुए बिकॉज उनका लक ने साथ ही नहीं दिया और लक ही सबसे इम्पोर्टेंट है, जबकि सच तो ये है कि ये दोनों बातें सच नहीं है। देखो, जब चीजें अच्छी हो रही होती है और तब अगर आप सोचते हो कि लक ने आपको सक्सेस दिलाई है, तो आपके उसके कजिन रिस्क को भी कंसिडर करना ही चाहिए जो सक्सेस को वापस भी कभी भी ले सकता है। सिमिलरली जब आप बैड डिसीजंस लेते हो, अपने आप को फेलियर्स के लिए ब्लेम करते हो, तो सिंपली आप बस रिस्क फैक्टर को इग्नोर मत करो और हर चीज का ब्लेम अपने ऊपर हमेशा मत लो। और यही दोनों चीजों को समझना, मतलब लक और रिस्क फैक्टर्स को समझना, आपकी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 2, नेवर इनफ। पॉपुलर नॉवल कैश 22 के ऑथर जोसेफ हेलर एक बार एक पार्टी में गए जहां उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि इस पार्टी के जो होस्ट है वो एक बिलियनर है जो एक दिन में इतने पैसे कमा लेते हैं जितने आप पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकते हो अपनी नॉवेल्स बेच के। तो इसके ऊपर उन्होंने स्माइल करते हुए कहा कि देखो दोस्त, मेरे पास वो है जो शायद इस बिलियनर के पास नहीं होगा। उन्होंने पूछा क्या, तो जोसेफ ने कहा आई हैव इनफ, मतलब मेरे पास जितना है मैं उसमें खुश हूँ। देखो दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि सोशल कंपैरिजन का जो बैटल है, जो लड़ाई है, वो आप कभी नहीं जीत सकते हो, लेकिन स्टिल लोग उसमें ही फंसे रहते हैं। लोग एक दूसरे से ऊपर आने के लिए, उससे ज्यादा कमाने के लिए, या उससे अच्छा दिखने के लिए कई सारे रिस्क लेते हैं, गलत चीजें करने लगते हैं बस अपने आप को दूसरों से बेटर शो करने के पीछे। नो, इस टाइम पे ये जानना कि आपके पास जो है वो के पास इनफ वेल्थ है, ये सुनने में शायद आपको सही ना लगे, कंजर्वेटिव लगे कि ये तो बस इसलिए बोल रहा है कि अंगूर खट्टे हैं। ऐसा नहीं है, आपके पास जितना है उसे इनफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज है, इनफ का मतलब कम नहीं होता है, इसे गलत मत समझना। इनफ का मतलब ऑथर बताते हैं कि वो स्टेट होता है जब आपको ये रियलाइज हो जाए कब आपको रुकना चाहिए और कब एक्ट करना चाहिए। एग्जांपल, देखो ये पता करना कि आप कितना खाना खा सकते हो, इसका ये भी एक तरीका है कि आप बस खाना खाते रहो जब तक उल्टी ना करने लग जाओ, लेकिन ऑब्वियसली ये तरीका सही नहीं है। सिमिलरली आपको भी अपने पैसों के साथ भूखा तो रहना चाहिए बट इतने भी भूखे नहीं हो जाना चाहिए कि हम कभी सेटिस्फाइड और खुश ही ना रह पाए। और यही है लेसन नंबर 2। और लास्ट लेसन नंबर 3, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। 1929 के क्राइसिस में दो लोग थे जिनके ऊपर इस क्राइसिस ने बहुत अलग अलग तरीके से इफेक्ट करा। जेसी लिवमो, जो अपने टाइम के एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर थे, 30 साल की एज में उनकी नेटवर्थ 100 मिलियंस थी। नाउ 1929 में जब इकोनॉमी क्रैश हुई तो न्यूज में लोगों की सुसाइड्स की खबर आना स्टार्ट हो गई, जिससे जेसी की फैमिली बहुत डर गई थी। बट जेसी जब शाम को घर आए और जब उनकी वाइफ ने उनसे पूछा कि हम पूरी तरीके से बर्बाद हो गए क्या, तब जेसी ने रिप्लाई किया कि नहीं डार्लिंग, ये मेरी जिंदगी का एक्चुअली सबसे बेस्ट ट्रेडिंग दिन था। क्यों? मतलब उस दिन जेसी ने मार्केट गिरेगा इसके ऊपर बेटिंग की थी, शॉर्ट किया था, जिसकी वजह से उन्होंने एक दिन में $3 बिलियन कमाए थे और वो दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान बन गए थे। बट उसी दिन आपको पता है, अब्राहम जमेंस्की, जो कि एक मल्टी मिलियनर रियल एस्टेट डेवलपर थे जिन्होंने अपनी पूरी वेल्थ बहुत ही मेहनत से 1920s में बनाई थी, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने मार्केट के ऊपर जाने पे बेटिंग करी थी, बट फिर 1929 का जब क्रैश हुआ तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, जिसके बाद वो इतने टूट गए कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये एक चीज थी। अब यहाँ एक और बात है, आपको बताया 1929 में बिलियनर बनने के बाद जैसी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, वो बहुत ज्यादा रिस्क लेने लग गए, जिसकी वजह से उनका जो डेब्ट था वो बढ़ते रहा और धीरे धीरे करके वो स्टॉक मार्केट में अपना सब कुछ हारने लग गए। और फिर एक दिन खबर आई कि जेसी लिवरमोर ने सुसाइड कर लिया है। ना देखो दोस्तों, जेसी और अब्राहम में एक कॉमन चीज थी और वो ये थी कि ये दोनों लोग अमीर बनने में तो एक्सपर्ट थे बट फिर अमीर बने कैसा रहना है वो ये चीज भूल गए थे। क्योंकि एक चीज समझो, पैसा कमाना एक चीज होती है पर पैसे को सस्टेन करना एक अलग चीज होती है। ऑथर मनी और सक्सेस को बस एक वर्ड में डिफाइन करते हैं, जिसे बोलते हैं सर्वाइवल। मनी अर्न करने में आपको रिस्क लेने पड़ते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ता है और एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, बट उस मनी को सस्टेन करने के लिए आपको उसका बिल्कुल अपोजिट करना पड़ता है। आपको ये डर होना चाहिए कि जितनी तेजी से आप पैसे कमा रहे हो उतनी तेजी से ही आप उसे गवा भी सकते हो। आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि सब कुछ आपकी मेहनत से नहीं आया है, बल्कि हाँ शायद लक का भी उसमें थोड़ा बहुत हाथ होगा। ना ये करना क्यों जरूरी है, बिकॉज अगर आप सोचोगे कि हर चीज आपकी वजह से ही हुई है तो आपके अंदर घमंड आ जाएगा, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे।
आप ये चीज भूल जाओगे कि जो चीज आपने अचीव की है शायद वो आपके लिए वापस अचीव करना पॉसिबल ना हो पाए, और यही इंपॉर्टेंट लेसन है। तो दोस्तों, हम सबको ये तो पता है कि वॉरेन बफेट सक्सेसफुल इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या करते हैं, किन रूल्स को फॉलो करते हैं, बट कोई इसके बारे में बात नहीं करता कि वॉरेन बफेट अपनी वेल्थ सस्टेन करने के लिए क्या क्या करते हैं। एग्जाम्पल, वो डेप्थ में कभी नहीं आते, उन्होंने 14 रिसेशंस देखे हैं, बट किसी में भी वो पैनिक होके उन्होंने सब कुछ सेल नहीं करा। वो एक्साइटेड होके बस किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते, और वो हमेशा एक ही स्ट्रेटेजी पर स्टिक नहीं रहते। ऑथर कहते हैं कि अच्छी इन्वेस्टमेंट वो नहीं होती है जो आप सही डिसीजन लेकर इन्वेस्ट करो, बल्कि अच्छी इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं जिसके अंदर आप बार बार बैड डिसीजन लेने से बचो। याद रखो दोस्तों, वेल्दी बने रहने का सीक्रेट है सर्वाइवल, जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ये बातें मैंने आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक से बताई है, जो कि काफी ग्रेट बुक है मनी के ऊपर, जो आपको पढ़नी चाहिए। लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो। कमेंट करके बताओ कि आपकी साइकोलॉजी क्या है पैसों से रिलेटेड। शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो पैसे की अहमियत को नहीं समझते। और सबसे मेन, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो प्लीज दबा दीजिए, और हमारे मिशन रीड इंडिया रीड का हिस्सा बने, जहां हम मिलकर लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।